हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, पैर छू कर धन्यकार करिए। फ्रेंड, आप लोगों से कुछ खास बात करनी है आज। मैं ये आइसक्रीम के छोटे छोटे पॉट मुझे मिले हैं, तो आज मैं इनमें से कुछ कटिंग लगाने वाली हूँ। जो मतलब जो पौधे छोटे छोटे पॉट में हो जाते हैं वही आज लगाने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। फ्रेंड, आप मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वीडियो बनाने का मन नहीं है लेकिन बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ फ्रेंड, आप लोगों से क्या बताऊँ। बस मेरी बहनें जो बड़ी बड़ी और जो भाई लोग वीडियो देखते हैं, बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग दुआ करो सब ठीक हो जाए। पता नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, ये रही मेरी मिट्टी। मिट्टी को मैंने पहले से ही बना लिया था। अब देखिए मैं इनमें से डाल रही हूँ मिट्टी, और इन्हीं में से जो मेरे जो छोटे छोटे हैं वो इतने छोटे छोटे उनमें से बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उनको ज़्यादा बड़ा पॉट ना चाहिए, वो छोटे से ही बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए मुझे बच्चों ने खाया था तो मैंने धुल के इनको रख लिया था फ्रेंड। तो मैंने सोचा रखे हैं तो चलो इनमें से भी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे से हो गए हैं ये मदर प्लांट। और इनमें से ना छोटे पॉट में जिड़ की भी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है फ्रेंड, और ये मदर प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो इसलिए मैं यही दोनों लगाने वाली हूँ आज। मैं इनमें से मदर प्लांट ही लगाऊँगी और फिर मैं अगले दिन आप लोगों को वीडियो बना दिखाऊँगी कि उनमें से मैं लगाऊँगी जेड प्लांट की कटिंग। क्योंकि मेरे पास कुछ कॉफ़ी भी टूट गए हैं, वो भी रखे हुए हैं, और ये तो देखिए बिन पैसे का है। एक पंथ तो काज हो गई, इससे बच्चों ने खाया और फेंक दिया, तो फिर मैंने उठा के इनमें से लगा दिया प्लांट। देख सकते हैं आप, ये कॉफ़ी ही है। और अब मैं इनमें से मदर प्लांट लगाऊंगी। देखिए ये पहले मेरे छोटे छोटे कुल्हड़ थे, ये जो मिलते हैं दीपावली में, हमारे इधर ये दीपावली में मिला करते हैं, तो उन्हीं से मैंने लगाया हुआ है। ये दीपावली में जो गोवर्धन पर्वत नहीं बनाया जाता, उसके लिए पानी रखने के लिए मिलते हैं हमारे यहाँ ये। तो और ये कुल्हड़ है, तो इनमें मैंने देखी ये मदर प्लांट कितने अच्छे से मेरा ग्रो हो रहा है। तो इनमें भी मैं मदर प्लांट ही लगाऊँगी, क्योंकि मदर एक ऐसा प्लांट है जो छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और बहुत अचानक से उसकी ग्रोथ भी हो जाती है। तो चलिए मैं लगा देती हूँ आज इसको। अपने देखिए मेरे मदर प्लांट कितने सारे ग्रो हो गए हैं, देख सकते हैं। इसमें मैंने ऐसे ही फेंक दिया था सफाई करके अपनी छत की, तो यहाँ पे इतने सारे हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप कितने सारे हो गए हैं। तो मैं इन्हीं को निकाल करके लगा लूँगी। देखिए इनमें से तीन हैं, एक इसको लेती हूँ। यही एक ऐसा प्लांट है, आप कैसे भी इसको फेंक देंगे, अरे तो ये गिर गया, कैसे भी आप इसको फेंक देंगे ना तब भी ये आसानी से लग जाता है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। इसको जड़ बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए। देखिए ये मेरा पॉट, और मैं ये टूट गया। ये इतना नाजुक होता है ना, इसकी पत्तियां तुरंत ही टूट जाती हैं फ्रेंड, बहुत नाजुक पौधा होता है ये। तो ये रहे मदर प्लांट, इसको लगा दूंगी छोटे से पॉट में।
ये मदर प्लांट ना बेबी से ग्रो हो जाता है, बहुत अच्छे से बेबी से निकलता है फ्रेंड। ये आज का मौसम बहुत स्लो था, ऐसा लग रहा था बारिश होगी लेकिन बारिश फिर नहीं आई है। मैंने सोचा शायद रात में हो जाए तो मैं अब ये काम कर लेती हूँ, ताकि ये रात में बारिश होगी तो ये सेट हो जाएंगे और इनके जड़ भी ना तुरंत ही हो जाती है। फ्रेंड ये छोटे ही छोटे में बहुत अच्छे से लग जाते हैं। ये मेरे आइसक्रीम के इसमें से ये तैयार हो गए, मेरे बच्चों ने खा लिया और मैंने इनका फायदा भी उठा लिया। एक बेबी और निकला है इसको, ये ना पत्तियों से यहाँ से ग्रो करते हैं, पत्तियों से। ये पता नहीं क्या है, इसको लगा देती हूँ कहीं पे। फ्रेंड फाइनली मेरे ये लग के रेडी हो गए हैं। अब आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बताइएगा, और आप भी इस तरह छोटे छोटे पॉट में लगाना चाहें तो आप लोग भी लगा सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडो, लव माय गॉड, लव माय फ्रेंड, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। पर आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा, आप लोगों से क्या बताऊँ। इस वक्त मेरी किस्मत नहीं साथ दे रही, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। और आप लोग देखते हैं मैं अपने गार्डन को लेकर दिन रात मेहनत करती हूँ, दिन रात, फिर भी मेरी किस्मत ख़राब हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूँ फ्रेंड। तो कैसे लगे मेरे प्यारे प्यारे कुल्हड़ आप लोग बताइएगा। एक पंथ दो काज हो गए, तो बाय बाय, लव यू।